आज हम बात करेंगे कायनात की तख्लीक पर, यानी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। हमारी कायनात 15 से 20 बिलियन यानी 15 से 20 अरब साल पहले एक जोरदार धमाके की वजह से वजूद में आई। इस धमाके को कहते हैं बिग बैंग, यानी कि जोरदार धमाका। क्या आप जानते हैं कि हमारी कायनात मादे पर मुश्तमिल कई अरब कहकशाओं का मजमुआ है, यानी हमारी कायनात में बहुत सी कहकशाएं हैं और इनमें से एक कहकशा है हमारा मिल्की वे। चलें एक नज़र मिल्की वे कहकशां पर डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। इस कहकशां में कई अरब गैसों और गर्द-ओ-ग़ुबार के बादल हैं, और इसके अलावा इस कहकशां में कई अरब सितारे हैं। इन खूबसूरत सितारों में से एक सितारा हमारा सूरज भी है। सूरज एक रोशन सितारा है जो कि हमारी दुनिया को रोशनी और गर्मी देता है। ये सितारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, और तो और सूरज की सतह बहुत गर्म है। सूरज की सतह पर दर्ज हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जरा सोचें, पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाता है, तो सूरज कितना गर्म होगा। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और हमारी जमीन एक चक्कर सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि सूरज हमें रोशनी और गर्मी फराहम करता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर खुदा ना खौस्ता सूरज की रोशनी और गर्मी ख़त्म हो गई तो हमारी ज़मीन पर हर जानदार चीज़ ख़त्म हो जाएगी? पर फिक्र ना करें, सूरज कोई गैस का चूल्हा थोड़ी है जो एकदम से बंद हो जाएगा। सूरज एक बहुत ख़ास सियारा है जिसके गिर्द 8 प्लैनेट्स यानी 8 सियारे गर्दिश करते हैं, और इस निज़ाम को हम लोग निज़ाम शमसी कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। चलें अब हम लोग एक नज़र निज़ाम शमसी के सारे सियारों पर डालते हैं। सूरज के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। इससे थोड़ा सा दूर आता है वीनस। फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारी ज़मीन यानी कि प्लैनेट अर्थ। अर्थ से थोड़ा ही आगे है मार्स। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लैनेट जिसका नाम है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, और फिर आखिर में आता है नेपट्यून। तो सारे प्लैनेट्स हो गए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। कभी कभी लोगों को इन प्लैनेट्स की तरतीब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आइए हम एक आसान तरीका देखते हैं इन प्लैनेट्स की तरतीब याद करने का। अ सिंपल वे टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो चलें हम लोग इन सैयारों के नामों के पहले हर्फ को सर्कल कर लेते हैं। लेट्स सर्कल द फर्स्ट अल्फाबेट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। मर्क्यूरी शुरू होता है एम से, तो आइए हम एक गोल दायरा एम के गिर्द बना लेते हैं। वीनस शुरू होता है वी से, एक गोल दायरा वी के इर्द गिर्द बना लेते हैं। ऐसे ही अर्थ शुरू होता है ई से, तो हम एक दायरा ई के गिर्द बना लेते हैं। फिर मार्स शुरू होता है एम से, तो एक दायरा एम के गिर्द बना लेते हैं। जुपिटर शुरू होता है जे से, तो हम लोग एक दायरा जे के गिर्द बना लेते हैं। सैटर्न शुरू होता है एस से, चले एक दायरा एस के अराउंड भी बना लेते हैं। फिर यूरेनस शुरू होता है यू से, एक दायरा यूरेनस के गिर्द, और आखिर में नेपट्यून जो कि शुरू होता है एन से, तो आखिरी दायरा हमारा बनेगा एन के गिर्द। अब हमारे सारे हरूफ के गिर्द एक दायरा बना हुआ है।
पर हम इन हरूफों से करेंगे क्या? चले हम इन हरूफों को इस्तेमाल करके कुछ लफ्ज बनाते हैं। एम, एम फॉर मारिया, मारिया ये छोटी सी बच्ची है। वी, वी फॉर वीना, वीना मारिया की बड़ी बहन। ई, ई फॉर एंजॉय, एंजॉय मतलब किसी चीज को पसंद करना और उससे खूब मजे लेना। एम, एम फॉर मैंगो, मैंगो मतलब आम। जे, जे फॉर जैम, जैम तो आपको पता ही होगा वो मीठी सी चीज होती है जो हम लोग डबल रोटी पे लगा के खाते हैं। एस, एस फॉर सेड, सेड का मतलब होता है कहना। यू, यू फॉर अंकल, अंकल मतलब चाचा। और आखिर में एन, एन फॉर नदीम, और ये देखिए ये आ गए अंकल नदीम यानी के नदीम चाचा। अब हम इन लफ्जों का करें क्या? चले हम लोग इनसे एक जुमला बनाते हैं। मारिया एंड वीना इंजॉय मैंगो जैम सेड अंकल नदीम। एक बार फिर, मारिया एंड वीना इंजॉय मैंगो जैम सेड अंकल नदीम। एक बार फिर, मारिया एंड वीना इंजॉय मैंगो जैम सेड अंकल नदीम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस जुमले को क्यों याद कर रहे हैं? हमारा जुमला था मारिया एंड वीना इंजॉय मैंगो जैम सेड अंकल नदीम। अब ये देखें, मारिया शुरू होता है एम से, वीना शुरू होता है वी से, इंजॉय शुरू होता है ई से, मैंगो शुरू होता है एम से, जैम शुरू होता है जे से, सेड एस से, अंकल यू से और नदीम एन से। अब ये देखें, एम, एम से मर्क्यूरी, वी, वी से वीनस, ई, ई फॉर अर्थ, एम, एम फॉर मार्स, जे, जे फॉर जुपिटर, एस, एस फॉर सैटर्न और यू, यू से तो यूरेनस शुरू होता है और एन से हम सबको पता है कि नेपट्यून होता है। तो आपने देखा कि हमने एक जुमला याद करके सारे के सारे 8 सितारों की तरतीब भी याद कर ली। तो सारे प्लैनेट्स हो गए मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून।